एवरीवन, माय नेम इज कशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। टिप टिप बरसा पानी का सीजन आ चुका है, मॉनसून हैज अराइव्ड। मुंबई में तो काफी पहले आ गया था, दिल्ली में भी अब आ ही चुका है। आपके स्टेट में क्या हाल है प्लीज जरूर बताना मुझे। और ये जो सीजन ऐसा होता है ना मॉनसून का, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, चिपचिप होती है, इस टाइम पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो मैं बॉडी केयर स्पेसिफिकली काफी फोकस करती हूँ। बॉडी हाइजीन, पैक एक्ने हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, बम्स पड़ जाते हैं, देन फ्रेग्रेंस, बॉडी ओडर के बहुत इश्यूज होते हैं। तो आज मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको रेकमेंड करने वाली हूँ जो मैं स्पेसिफिकली इस टाइम पे यूज करती हूँ, रिलेटेड टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपसे शेयर करी हैं। सो ये वीडियो डेफिनेटली भरी होगी कशिका ज्ञान से। जस्ट इन केस यहाँ पे नए आए हो, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को हिट कर देना। नाउ Let's start with the two recommendations. Specifically, मॉनसून के टाइम पे तो आई थिंक ये सबके पास होना ही चाहिए, विच इज नॉट जस्ट अ लूफा बट अ हैंडल वाला लूफा। सो लूफा तो हम सब यूज करते हैं, बॉडी वॉश जब यूज करते हैं, रेगुलर लूफा हम सबके पास होता ही है। इससे इजिली आप बॉडी वॉश, बॉडी पे स्क्रबिंग कर सकते हो, एक्सफोलिएशन हो जाती है। लेकिन क्या होता है ना, बैक पर काफी बार एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हाथ नहीं जाता। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप वहां पर हाथ अच्छे से लगा ही नहीं पाते, और वहां सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फंगल एक्ने होने के, रैशेस पड़ने के, बम्स पड़ने के। काफी बार जो लोग 9 to 6 जॉब करते हैं वो लेदर की चेयर पर बैठे रहते हैं, पीछे से बैठे रहते हैं ना, तो वहां पर स्वेट होने की वजह से वहां पर डार्कनेस, सेंटर के एरिया में डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसा लूफा लो जिसमें आपको हैंडल ऐसा मिल जाए, सो दैट यू कैन क्लीन इजिली। लाइक आप ऐसे ऐसे करके पूरा अच्छे से क्लीन कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये मैंने इस बार वेगा का मंगवाया जिसकी वुडन हैंडल है, ये नया है, मैंने एक बार यूज किया है इसको। मैं इससे पहले जो यूज करती थी वो मैं लोकल के मार्केट से लाई थी, उसका प्लास्टिक वाला हैंडल था और उसका लूफा ना बहुत जल्दी निकल गया था, तो जो मैंने थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी का मंगवाया है। वेगा का है, काफी अच्छी इसकी स्टर्डी क्वालिटी है। माय नेक्स्ट बॉडी केयर मस्ट हैव इज अ सोप बार। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो आपको पता होगा मैं सबसे ज्यादा सोप बार्स ही यूज करती हूँ। बिकॉज क्या होता है, बॉडी वॉशेस और लूफा जो है ना आप एवरीडे बेसिस पे नहीं यूज कर सकते, वो भी एक फिजिकल एक्सफोलिएशन होती है, आप उसको रब करते हो अपनी स्किन पे। तो डेली बेसिस पे मुझे वो यूज करना नहीं पसंद। आई स्पेसिफिकली प्रेफर सोप बार्स ऑन रेगुलर बेसिस। वैसे भी जब बैक पर एक्ने हो जाते हैं, काफी बार बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे तो वैसे ही बॉडी वॉश और लूफाज इतने नहीं यूज करना चाहिए, आपको एक जेंटल बार यूज करना चाहिए। And I am loving this particular soap for my back acne issue. Trust me, इसने काफी अच्छे से help किया है मेरे back acne और जो भी pores clog हो जाते हैं ना उसके ऊपर specifically work किया है। And this is Bioderma. You guys know Bioderma is like the king of skin care. So the name of the product is Bioderma CBM Power Purifying Cleansing Bar. This one is specifically made for combination to oily skin. ये बार कुछ इस तरह से दिखता है, मैंने आज भी यूज किया था, इसलिए आप देख सकते हो थोड़ा सा स्टिक स्टिक है। मैं इसको अपने सोप डिश के अंदर डाल के रख देती हूँ। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, बाय द वे डिटो इनके सीबीएम जो जेल मुसॉन फेस वॉश आता है ना, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू आती है। आपको कहीं पर भी बम्पी एक्ने रैशेज हो गए ना, लूफा मत यूज करो, आप एक ऐसा जेंटल सोप यूज करो जो उस एरिया को क्लेंस कर दे। एट द सेम टाइम जो ये केमिकल एक्सफोलियंट्स होते हैं ये माइंडली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हैं, उस एक्ने को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर और भी अच्छे इंग्रेडिएंट है, लाइक इसके अंदर है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिसकी अगेन एक्ने फाइटिंग, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। देन इसके अंदर इनको बिलोबा एक्सट्रैक्ट है जो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कोलाजन बिल्डिंग होता है। सो ये सोप बार स्पेसिफिकली स्किन टॉलरेंस के हिसाब से बनाया गया है, मींस ये आपके पीएच लेवल को मेंटेन करके चलता है। इसको यूज करने के बाद मेरे को बिल्कुल भी ओवर ड्राइनेस या फिर एकदम सूखी सूखी जैसी स्किन फील नहीं होती, बिकॉज ये काफी मॉइस्चराइजिंग है और मेरे स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करके चलता है। ऑल्सो दिस इज सोप फ्री फॉर्मुलेशन, इसके अंदर आपको एक्सट्रीम वाला झाग नहीं मिलेगा जो आपके स्किन को ड्राई बना देता है, बट एट द सेम टाइम ये इफेक्टिव है, अच्छे से क्लेंस करता है, अनक्लॉग करता है आपके जितने पोर्स, डर्ट और जो भी ऑयली ग्रीसीनेस होती है बॉडी पर। बाय द वे ये सोप बार आप फेस पर भी यूज कर सकते हो, बायोडर्मा ने स्पेसिफिकली बॉडी के लिए नहीं बनाया, आप उसको अपने फेस पर भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपकी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है या फिर आप फेस वॉश इतना यूज करना प्रेफर नहीं करते, आप ये सोप बार अपने फेस के लिए भी यूज कर सकते हो। ये उस एक्ने एंड ऑल के इश्यूज में भी डेफिनेटली हेल्प करता है, एंड दिस इज नॉन कॉम्डोजेनिक एज वेल। You can buy this from Bioderma's official website and use my code Kashika5 for extra 5% off. All the links are in the description box below. Since हम सोप एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, जब भी मैं सोप लगाती हूँ थोड़ा बहुत तो फोम बन ही जाता है ना, सो मैं उसी फोम से शेविंग भी कर लेती हूँ। बिकॉज आजकल मैं यूज कर रही हूँ ये पर्पल वाला जिलेट का रेजर जिसमें हल्के से सोप बार्स भी आते हैं, तो इसके लिए ना आपको एक्सट्रीम वाला शेविंग फोम या फिर जेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। रेगुलर वाला जो वीनस है ना, जो वीनस आता है जिलेट का, उसके साथ काफी बार होता है आपको एक थिक फोम बनानी पड़ती है, बट इसमें सिंस ये सोप बार होते हैं ना तो आपको इतनी थिक लेयर की जरूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, जो सोप अप्लाई करती हूँ उसी के बाद इससे मैं शेविंग कर लेती हूँ। बाय द वे हेयर इज एन अपडेट
like this is how the razor looks like after almost 2-3 weeks of use. ये मेरा second razor है, मैंने इसके pack of 2 की refill मंगाई थी, ये रही refill. ये first वाली अब पूरी almost use हो चुकी है, second मेरे पास यहाँ पर रखी है. I love this one. अगर आपको body पे bumps हैं या फिर कहीं पे आपको हल्के हल्के body acne रहते हैं, आपको strawberry legs का issue है, I would say go for this one because ये hair को remove भी करता है, at the same time इसमें skin पर cut नहीं पड़ते कि बिल्कुल भी आपकी skin को वो नहीं देगा, जो under skin हो जाती है ना, under skin growth आती है आपके बालों की, ये वो बिल्कुल नहीं देता. सो ये काफी सही है. और जो बायोडर्मा का सोप बार है वो जेंटली कहीं ना कहीं केमिकली एक्सफोलिएट भी कर देता है, और ये फिजिकली मेरी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो दोनों मिला के काफी अच्छा मेरे स्किन पर वर्क करते हैं. और उसके बाद मैं एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ. आई मेक श्योर कि शेविंग करने के बाद मैं अच्छा मॉइस्चराइजर इनकॉर्पोरेट करूँ. काफी बार शेविंग से भी थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है, सो मेक श्योर आप भर भर के मॉइस्चराइजर लगाओ. काफी लोग कहते हैं कि हमने शेविंग करी हमें एक दो दिन बाद इचिंग शुरू हो गई, वो इसलिए होती है आप मॉइस्चराइजर अच्छे से नहीं लगाते. अगर आप अपनी स्किन को ड्राई छोड़ दोगे ना शेव करने के बाद, तो वहाँ पर इचिंग या फिर डार्कनेस होने के चांस रहेंगे. ऑल्सो अपना रेजर बदलते रहा करो, जैसे इसके सोप बार अब थोड़े से घिसने शुरू हो गए हैं. वैसे क्या होता है, सारे रेजर में ना आपको स्ट्रिप मिलती है, आपको ऊपर स्ट्रिप दिख रही है, ये तो सोप बार है, लेकिन एक रेजर के ऊपर आपको पर्पल कलर की स्ट्रिप दिख रही होगी, ये स्ट्रिप आपको सारे ही रेजर में मिलेगी. आप कोई भी रेजर लो, आपको रेजर के ब्लेड के ऊपर एक स्ट्रिप मिलती है, वो स्ट्रिप जब बिल्कुल घिसनी शुरू हो जाती है, वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, फिर बिल्कुल ऐसे होता है ना, आपको पता चल जाता है कि वो घिस गई है, दैट इज अ टाइम टू चेंज योर रेजर. माय नेक्स्ट बॉडी केयर मस्ट हैव जो मुझे समर्स मॉनसून में स्पेसिफिकली चाहिए होता है, वो है एक अंडर आर्म रोल ऑन, बिकॉज इस टाइम पे इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, चिपचिपाहट होती है ना मॉनसून में, स्पेसिफिकली अंडर आर्म्स भी चिपचिप होते हैं, वहां पे स्मेल बहुत अजीब से आनी शुरू हो जाती है. सो मुझे ये काफी पसंद आ रहा है. ये निविया का नेचुरली गुड डिओड्रेंट बायो ग्रीन टी, 95% इंग्रीडियंट्स जो इनके नेचुरल ओरिजिन के हैं और 5% इसके अंदर एसेंशियल ओरिजिन है. ये 24 आवर के प्रोटेक्शन का क्लेम करता है, लेकिन इतना नहीं है, 24 आवर की आपको नहीं मिलती, बट स्टिल ये आपके जो बैड ऑडर होता है ना उसको काफी हद तक कंट्रोल करता है. मुझे ये ट्रांसपेरेंट वाला ही पसंद है जो मैंने आपको अभी बताया. एक और निविया का आता है जो व्हाइटनिंग वाला आता है, जो कहता है आपके अंडर आर्म्स को व्हाइटन कर देगा, लाइटन कर देगा, बट ट्रस्ट मी वो इतना कुछ वर्क नहीं करता. इनफैक्ट उसका जो व्हाइट व्हाइट कलर है ना वो और अजीब सा एक व्हाइट कास्ट देता है मेरे अंडर आर्म्स पे, जो और अजीब लगता है. इंस्टेड आई लाइक दिस वन, ये एकदम ट्रांसपेरेंट और पानी जैसा ना, तो ये अच्छे से स्किन में चला जाता है और कोई व्हाइट कास्ट नहीं देता. आई लव दिस वन. इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी जेंटल है. इफ यू आर समवन जिसको बहुत जेंटल फ्रेग्रेंस पसंद है, लाउड या फिर एकदम सर दर्द करने वाली खुशबू होती है ना, वो नहीं पसंद, तो ट्राई दिस वन. कमिंग टू प्रॉपर फ्रेग्रेंसेज फॉर माई होल बॉडी, वैसे तो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी माई टॉप फेवरेट परफ्यूम मिस्ट फ्रेग्रेंसेज, जिसके अंदर मैंने ट्रैवल साइज से लेकर सबसे बड़ी बॉटल सारी फीचर करी थी. बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शन भी मैंने उसमें बताए थे, तो प्लीज वो जाकर देखना. मैं यहाँ कहीं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, यू विल फाइंड सम रियली नाइस ऑप्शन. एंड आयरॉनिकली उस वीडियो में जो मैंने बोला था ना कि ये पर्टिकुलर वाला मिस्ट मुझे सबसे कम पसंद आ रहा है, बिकॉज सब नया नया था, प्लस इसकी जो खुशबू है वो मीठी है, मतलब थोड़ी सी स्वीटर साइड पे आती है, तो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है. मैंने उस वीडियो में भी बहुत बार बोला था कि मुझे सिट्रसी खट्टी जो थोड़ा सा मैन परफ्यूम वाली खुशबू होती है ना, मुझे वो ज्यादा पसंद आती है, मुझे ऐसे फ्लोरल या फिर मीठी खुशबू कम पसंद है. बट ट्रस्ट मी, मैंने अब कहने की डेवलप कर लिया है इसके लिए प्यार, बिकॉज आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहा है. ये है बाथ एंड बॉडी वॉश का चेरी ब्लॉसम फाइन फ्रेग्रेंस मिस्ट. दिस आवर लुक्स लाइक, आपको नायका पर जब भी डील आती है ना ऐसे बाथ एंड बॉडी वॉश के प्रोडक्ट्स, बाय वन गेट वन, 60% off, 50% off, पता नहीं क्या क्या डील चलती रहती है. इनकी अपनी वेबसाइट है बाथ एंड बॉडी वर्क्स, उस पर बहुत अच्छी डील चलती रहती है, तो तब आप ले सकते हो, बिकॉज प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना आपको क्वांटिटी काफी सही मिलती है. और मैं इसको बहुत टाइम से अब यूज कर रही हूँ, यू कैन सी मैंने काफी यूज कर लिया तब से. मैं एकदम मीठी खुशबू नहीं बोलूंगी, इट हैज अ वेरी नाइस मिक्स ऑफ स्लाइटली फ्लोरल, स्लाइटली स्वीटर, जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं आती, इसलिए शायद मुझे पसंद आ रही है. इट्स नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्वीटनेस, जैसे चेरी ब्लॉसम फ्लोरल खुशबू होती है ना, और समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है. मतलब उसको लगाते एकदम समर्स और जो मॉनसून में फ्लावर्स खिल जाते हैं ना, एकदम फ्रेश वैसी वाली वाइब्स आती है, विच आई लव. सो डेफिनेटली ट्राई करना, आपको क्वान्टिटी काफी अच्छी मिल रही है, एंड इट एक्चुअली लास्ट रियली लॉन्ग. कमिंग टू बॉडी लोशन, मेरे पास अगेन दो ऑप्शन है. सबसे पहले है ये एवर यूथ का बॉडी लोशन इन द वेरियंट सन केयर बेरीज, जिसकी 15 SPF की सन प्रोटेक्शन है. आई नो SPF 15 कुछ नहीं होता, बहुत कम होता है, बट ट्रस्ट मी समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ थोड़ी बहुत भी लगाओगे ना तो एटलीस्ट आपके हैंड जो है वो टैनिंग से बच जाएंगे. सो अगर आप थोड़ी देर के लिए चाहे धूप में जाते हो ना, तो ये लोशन काफी अच्छा है. आई लव द फैक्ट ये बहुत लाइट है, स्किन पर हैवी फील नहीं होता, ग्रीसी फील नहीं होता, स्किन में बहुत जल्दी चला जाता है, एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी ठीक है. इट्स नॉट वेरी ओवरपावरिंग. इसकी हल्की सी एक सिट्रसी जैसी खुशबू आती है, जो काफी लोगों को शायद प्लीजिंग ना लगे, बिकॉज सिट्रसी भी नहीं बोलूंगी,
एक कड़वा जैसे नोट होता है ना, वैसी इसकी सॉर्ट ऑफ खुशबू आती है। तो मैं इसको खाली एज अ सन प्रोटेक्शन के वे में यूज करती हूँ, मैं इसको एज अ फ्रेग्रेंस बॉडी लोशन नहीं यूज करती, बिकॉज मैं SPF मुझे डिसेंट मिल रही है। ऑल्सो इट इज क्विक एब्जॉर्प्शन, पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री, और ये अफोर्डेबल बहुत ज्यादा है। मतलब ये आपको 250 मिल रहा है, इसका एक छोटा सा भी आता है, आई थिंक 80-50 रुपीज का, जो आपने बैग्स में रख सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही बॉटल आती है जो इतनी टाइनी सी आती है, अगर मुझे अमेजोन या नाइका में मिलेगी ना तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। वो साइज भी एकदम परफेक्ट है, आपने बैग्स एंड ऑन में डाल सकते हो। थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आपको सन प्रोटेक्शन ये दे गए। अदरवाइज अगर आप दीवाने हो थोड़े से प्रॉपर खुशबू के, आपको एरोमेटिक परफ्यूम जैसे बॉडी लोशन बहुत पसंद है, देन ट्राई दिस वन। ये नाइका ने लास्ट ईयर लॉन्च करे थे उनके लव स्ट्रक बॉडी लोशन। सो नाइका की परफ्यूम्स की रेंज आती है जिसका सेम नेम है लव स्ट्रक, और उसमें जितने परफ्यूम आते हैं ना, इन्होंने उसके रिजेम्बलेंस में मतलब बिल्कुल सेम बॉडी लोशन निकाल दिए हैं। और मुझे जो परफ्यूम नाइका का पसंद है वो यही है, स्टे विद मी, सेम इसी कलर का आता है, मैंने उस वीडियो में भी फीचर किया था परफ्यूम वाली। अगेन इसकी बहुत एकदम स्ट्रेट अप जो सिट्रसी वाली खुशबू आती है ना, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू आती है, और ये बॉडी लोशन से भी एग्जैक्ट सेम वही परफ्यूम वाली खुशबू आती है। इसको लगाते ही मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कहीं बॉडी मिस्ट लगा लिया है। सो अगर आपको भी बॉडी एंड ऑल का शौक है कि आपकी एकदम भर भर की खुशबू आए, तो आप ये ले सकते हो। आप जब इसको पूरे हाथ पे पूरी बॉडी पे लगाओगे और फिर इसी के सेम परफ्यूम को लगाओगे ना, तो एक लेयरिंग होती है, आपकी खुशबू और ज्यादा ओवर पावर हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग बनती है। ये एक अच्छा हैक होता है अगर आप चाहते हो आपकी फ्रेग्रेंस ज्यादा लंबे टाइम के लिए चले। माय लास्ट बॉडी केयर मस्ट हैव, जो मॉनसून समर्स में आपको चाहिए ही चाहिए, स्पेसिफिकली मॉनसून में जो चिपचिपाहट होती है, ह्यूमिडिटी होती है, काफी बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इस टाइम पे लोगों को। अब तो वैसे भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन, बारिश भी जो होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो और स्किन पे अजीब सा रैशेज दे देती है। सो बाय दिस वन, ये तो आई थिंक सबके घर में होना चाहिए समर्स और मॉनसून के टाइम पे, या कोई भी अपने नियर बाय केमिस्ट से ले सकते हो। अगर मुझे ऑनलाइन मिलेगा तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। ये कैंडिड डस्टिंग पाउडर, सो ये रेगुलर पाउडर नहीं है, जो एकदम खुशबू वाले पाउडर होते हैं ना जो कुछ भी काम नहीं आते, खाली खुशबू देते हैं, ये वाला पाउडर नहीं है। ये एक डस्टिंग पाउडर है जो स्पेसिफिकली बना है फंगल इन्फेक्शन के लिए, प्रिकली हीट के लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से भी कुछ रेडनेस हो गया बॉडी पे, हीट जैसे बॉयल्स हो जाते हैं ना उसके लिए, इचिंग के लिए और स्किन इरिटेशन के लिए, बेसिकली एंटी फंगल पाउडर है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो ये आपको इजिली कहीं भी केमिस्ट और नॉल पे मिल जाएगा। इसका जो अरोमा है वो इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज या इट्स अ मेडिसिनल सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो इससे खुशबू मत एक्सपेक्ट करना, बट ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। मुझे काफ़ी बार जैसे इस एरिया में रैश हो जाता है, या फिर आप कुकिंग करते हो ना, आपको या नेक के एरिया में अजीब सी गर्मी लगती है, आप रेगुलर अपनी बाथ लो, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ और उसके बाद इस डस्टिंग पाउडर को अच्छे से लगा लो। जहाँ जहाँ भी आपको रैशेज हैं, इचिंग होती है, फिर स्किन पर रेडनेस होती है, वहाँ पर अप्लाई कर लो। ये बहुत अच्छे से उस एरिया को सूथ करने में हेल्प करेगा, आपकी जो इचिंग है ओवर द टाइम कम हो जाएगी। सो दीज वर ऑल माई फेवरेट बॉडी एसेंशियल स्पेसिफिकली इन मॉनसून। इन सबके लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज चेक कर लेना। ऑल्सो प्लीज लेट मी नो आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो इस सीजन में, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको बैक एक्ने के इशू है, कुछ भी जो मैंने आज सजेस्ट किया उसके अलावा, अगर आप कुछ अपना रिकमेंडेशन देना चाहते हो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैं हमेशा कहती हूँ अपना ज्ञान बांटो कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी। इसके अलावा प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज एंड अपडेट्स। फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत सारे गिवअवेज भी आने वाले हैं, सो हुक्ड रहना इंस्टाग्राम पर, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।